कंपनी के बारे में मुझसे पूछोगे कि कंपनी बेहतर कौन सा होगा हेल्पर्स के लिए कोलकाता लोकेशंस में, मींस कि हम क्वालिफाइड ज़्यादा नहीं है, हम टेंथ पास किए, या फिर छोड़ो टेंथ पास भी छोड़ो, अब मेरे पास में सर सिर्फ आधार कार्ड है, लगवाइए कोलकाता लोकेशन में। सफोला कंपनी इज वन ऑफ दी बेस्ट कंपनी इन कोलकाता लोकेशन, गूगल पे भी सर्च करो सफोला ऑयल कंपनी के बारे में, नंबर वन ब्रांड बनने जा रही है फॉर्चून के बाद, रुचि गोल्ड के बाद, ये सफोला कंपनी भी धमाल मचा के रखी है, तो धमाल मचा के रखी है। सफोला कंपनी में काम करने का सुनहरा मौका है, जितने भी सारे कैंडिडेट सफोला जैसी कंपनी में, सफोला जैसी ब्रांड कंपनी में काम करना चाहते हैं, कोलकाता जैसे लोकेशन में काम करना चाहते हैं, उसके लिए एक बेहतरीन उपलब्धि है कि वो सफोला जैसी ब्रांड कंपनी में काम को कर सकते हैं। मीन्स आप लोग इन्फॉर्मेशन समझिएगा, मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करने आता हूँ, अगर आप लोग ना समझेंगे प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट हो सकती है। आई थिंक आई सजेस्ट फॉर यू कि इन्फॉर्मेशन समझना शायद ये आपकी बेहतर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सो समझिए अच्छे से, उसके बाद में नेक्स्ट प्रोसेस को फॉलो कर सकते हो। आप लोग सबाना मैडम को टॉकिंग कर सकते हो, वैसे सबाना मैडम का नंबर हमने स्क्रीन पे डाल दिया है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया, क्यों डाला है, क्योंकि आपको टॉकिंग करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इसके लिए। सो यहाँ पर देख सकते हैं मेल कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर दिस वैकेंसी, इसमें सिर्फ लड़के चलेंगे, अर्जेंट हायरिंग सफोला ऑयल फैक्ट्री, जॉब प्रोफाइल है पैकिंग लोडिंग अनलोडिंग, मीन्स यहाँ पे जो काम रहेगा पैकिंग लोडिंग अनलोडिंग सभी प्रकार के काम रहेंगे। अब ये आप लोग इंस्पेक्शन नहीं कर सकते कि हम कंपनी में जा रहे हैं हमें सिर्फ पैकिंग का काम दिलवाइएगा, ऐसा नहीं होता। आप अगर पैकिंग का ही काम करने लगे तो आप जैसे जितने भी सारे लोग आएंगे वो पैकिंग का काम करेंगे, तो माल कौन लोड अनलोड करेगा, ये भी बात है। काम तो यहाँ पे जो है प्रोडक्ट निकलता जाएगा, जो है सो ऑयल निकलता जाएगा, उसका पैकिंग होता जाएगा, लेकिन लोड अनलोड करने वाला भी तो चाहिए ना, तो वो सारा मिक्सअप आपको काम रहेगा। सो यहाँ पे क्वालिफिकेशंस का कोई भी डिमांडिंग नहीं है, लेकिन इतना मंदबुद्धि इंसान भी नहीं चलेगा इसमें, इसमें तेज तर्रार और जो है ईमानदार व्यक्ति चाहिए काम करने वाले। एज लिमिटेशन मिनिमम 18 है, मैक्सिमम 45 इयर्स है, बिलो 18 वाले का नहीं चलेगा, अबोव 45 वाले का नहीं चलेगा। मतलब कि सिंपल सा लॉजिकल बात यह है कि एज का जो क्राइटेरिया है, लिमिटेशन है 18 से 45 साल के बीच में है। मेल कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर दिस वैकेंसी, यानी कि यहाँ पे सिर्फ लड़के का रिक्रूटमेंट है, मेल कैंडिडेट का रिक्रूटमेंट है। सैलरी का जो स्ट्रक्चर होगा, एज ए ट्रेनर का जो सैलरी है पर डे है 500 रुपीज़, यानी कि 15,000 रुपये प्रति माह है, यानी कि 15,000 रुपये पर मंथ मिलेगा, 500 रुपये रोज का स्ट्रक्चर बनेगा। मतलब सिंपल सा लॉजिकल बात यह है कि इसमें नो वर्क नो पे का सिस्टम रहेगा। आखिर क्यों, तो यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया है, जब 500 रुपये पर डे बनेगा तो इस हिसाब से आप भी कैलकुलेशन करके देखोगे तो जो रेशियो है वही रेशियो के हिसाब से सैलरी आपका बनता हुआ नज़र आएगा। सो यहाँ पे देखो, कंपनी प्रोवाइड फ्री रूम अकोमोडेशन, चीप कैंटीन, 3 टाइम फूड ओनली 60 रुपीज़, अकोमोडेशन फ्री। जॉब का लोकेशन है धूलागढ़ कोलकाता लोकेशन में, जितने भी सारे कैंडिडेट धूलागढ़ कोलकाता लोकेशंस में काम करना चाहते हैं बेहतरीन है। सो यहाँ पे देखिए, 3 टाइम खाना का 60 रुपये पर डे लगता है, मतलब ये कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। 3 टाइम खाना अगर बिहार में भी खाओगे तो यार कम से कम तो 150 रुपये लगेंगे, बिहार का तो और एक्सपेंस ज़्यादा है। लोकेशन धूलागढ़ है, यहाँ पे ड्यूटी 12 घंटे की शिफ्टिंग है, सेम डे ज्वाइनिंग प्रोसेस है, परमानेंट बेसिस जॉब से। ज़्यादा जॉब्स की जानकारी के लिए आप लोग स्क्रीन पे जो कॉन्टेक्ट नंबर दिया हूँ जो है सो यहाँ पे सबाना मैडम का पर्सनली आप लोग सबाना मैडम से कम्युनिकेट कर सकते, यानी कि टॉकिंग कर सकते। सो थैंक यू सो मच, और थैंक यू सो मच करने से पहले बता दूँ ये जॉब पेड है, जितने भी सारे जॉब कोलकाता लोकेशन में आते वो सारे के सारे पेड होते हैं, लेकिन जॉब जेन्युइन होता है। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।